नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। टीचर एजुकेशन में बीएड एमएड इन कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुके हैं 2022-23 के लिए। इनके सीईटी के डेट्स आ चुके हैं। सीईटी के डेट्स क्या है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। आइए देखते हैं टीचर एजुकेशन में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपको करना है। आप कन्फ्यूज़ ना होइए, इन अलग अलग कोर्सेज़ को समझिए। बीएड एमएड यह वो कोर्स है जिस ये 3 इयर्स का कोर्स है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये कर सकते हो। आपने एमएससी एमए किया है तो इसके बाद ही आप ये 3 इयर्स का कोर्स कर सकते हो। इसमें बीएड और एमएड ये दोनों डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएंगी। ये कोर्स है एमएड जो कि बीएड के बाद किया जाता है, जहाँ पर आपको ये 2 साल का कोर्स है। एमपीएड जो बीपीएड के बाद किया जाता है, ये भी 2 साल का कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीए बीएड या बीएससी बीएड ये जो कोर्स है, ये एसएससी मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद किया जाता है और ये 4 ईयर का कोर्स है। इसमें आपको 2 डिग्रियाँ मिलेगी। आपको ऑप्शन लेना होगा बीए बीएड या बीएससी बीएड। अगर आप बीएससी बीएड लेते हो तो आपको 2 डिग्रियाँ मिलेगी, या उस डिग्री में 2 सब्जेक्ट हो गए, एक बीएड और बीएससी। अगर आप बीए बीएड सिलेक्ट करते हो तो आपको 2 डिग्रियाँ मिलेगी, 2 सब्जेक्ट हो गए उसमें बीएड और बीए। तो ये 4 साल का कोर्स है और आप आर्ट्स साइंस, 12वीं आर्ट्स और साइंस के बाद कर सकते हो। और उसके बाद आता है बीएड जनरल और स्पेशल, बीएड एंड ईएलसीटी। ये वो कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। 2 साल का बीएड जो होता है वो ये है। बीएड जनरल का मीन्स है जो जो जनरल स्कूल्स है वहाँ पर, जो स्पेशल एजुकेशन के जो स्कूल्स है वहाँ पर टीचर बनने के लिए, ये दोनों के लिए एक ही सीईटी है। और बीएड ईएलसीटी मतलब ये है कि ईएलसीटी के अलग एग्ज़ाम होती है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 2 सीईटी होगी, बीएड सीईटी और ईएलसीटी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। तो ये है 2 इयर्स का कोर्स। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम आएंगे जहाँ पर हमें सीईटी के लिए एप्लीकेशन भरने हैं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये 2 ऑप्शंस है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने वाले हो। इससे पहले आइए देखें जो शेड्यूल दिया गया वो क्या है। आप ये सीईटी के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो 24 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक। आप सीईटी के फॉर्म भर सकते हो। अगर आप लास्ट ईयर डिग्री में हो, बीए बीएससी बीकॉम के या कोई भी डिग्री में लास्ट ईयर में हो, तो अपीयर में हो, तो भी फिर आप यहाँ पर ये एप्लीकेशन भर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपका लास्ट ईयर क्लियर ही हो। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो किसी भी ईयर में हो तो भी आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो, क्योंकि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड का चलता है, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट साइंस कॉमर्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीबीए हो, कोई भी हो, किसी भी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होना ज़रूरी, या फिर आप उस डिग्री के लास्ट ईयर में होने चाहिए। उसके बाद इसके हॉल टिकट आएंगे 10 मई उसके आगे, और एक्चुअल जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 2 से लेकर 4 जून के बीच में होने वाली है। यहाँ पर ये ऑफलाइन होगी, कंप्यूटर सेंटर्स पर होगी। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और आगे की प्रोसेस फिर शुरू होगी। अब हमें ये करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर जो ब्रोशर है, यहाँ पर एडमिशन का जो ब्रोशर दिया हुआ है वो आपको पहले देखना चाहिए, ताकि सारे रूल्स आपको पता चले। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप ये डाउनलोड्स में जाकर ये देख सकते हो। यहाँ पर जो ब्रोशर है, ये ब्रोशर आपका आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है सारी डिटेल्स के लिए। जब आप वो पढ़ लो, मैंने उसमें भी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आइए। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद ये प्रोसेस दी हुई है, यहाँ पे दिया है जैसे कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को या तो पास होने चाहिए, अपीयर होने चाहिए लास्ट ईयर में। उसके बाद आप अगर किसी भी कैटेगरी के हो और उस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, तो उसके फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट, ये होना ज़रूरी है। और डिसेबल्ड कैंडिडेट, जो स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। सीईटी का एप्लीकेशन का जो फॉर्म है 800 रुपीज़ के लिए है और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 600 है। आप पहले यहाँ लिखा है कि आप मैनुअल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ज़रूर पढ़िए, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर का ब्रोशर है लेकिन सेम ही कंटेंट है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखिए एप्लीकेशन करने से पहले।
और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जो परमानेंट वाला है वही रखिए, आपका खुद का दीजिए, ताकि इसके आगे के जो सारे कम्युनिकेशन है वो ईमेल पे आते हैं और मोबाइल पर एसएमएस भी आते हैं। तो आप ऐसा नंबर दीजिए जो कि आप चेंज ना करते और आपका खुद का हो, जो आपके पास रहे, ताकि इमीजिएटली आपको सारे एसएमएस, सारे मैसेज का कम्युनिकेशन आ सके। तो इस साइट पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ फिर ये सारी जानकारी देनी है। इसके आगे ये वीडियो को किस तरह से, ये एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से भरा जाता है, ये आप इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया, आप उसको देख लीजिए। लास्ट ईयर का है लेकिन इंटरफेस मुझे लगता है सेम ही है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आकर फिर आपको आगे का यहाँ पे अकाउंट एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको एप्लीकेशन के बाकी डिटेल्स भरने, उसमें क्या है उसके लिए वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। तो 2022-23 के एडमिशन की जो प्रोसेस है बीएड के लिए और सभी कोर्सेज के लिए वो शुरू हो चुकी है, तो आप ध्यान में रखिए 12 तारीख से पहले आप अपना एप्लीकेशन ज़रूर भरवाइए, ताकि आप सीईटी दोगे। सीईटी का स्कोर ही मेरिट स्कोर होता है, और सीईटी अगर नहीं दी है तो बीएड को एडमिशन नहीं हो सकता। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि ये जो सीईटी है ये कंपलसरी एडमिशन में, महाराष्ट्र में एडमिशन कहीं पे भी किसी भी तरह के कॉलेज में एडमिशन के लिए सीईटी बहुत ज़रूरी है, इसके सिवा एडमिशन नहीं होगा। कोई भी मीडियम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एडेड अनएडेड कॉलेज हो, माइनॉरिटी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, महाराष्ट्र में अगर आपको ऑफिशियली बीएड करना है तो सीईटी देना बहुत ज़रूरी है। जिसके एप्लीकेशन की ये साइट है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसके रिलेटेड अलग अलग जो वीडियो वो भी मेरे चैनल में है, आप उसे देखिए और बिना कोई गलती किए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।